हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको इंडियन रेलवे में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी नए व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन और इस एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट जीके के वीडियो उनको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियन रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है वो नॉर्थ सेंट्रल जोन में आई हुई है और ये जो है प्योरली अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। और इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है इसमें वो आपका 446 जो है टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है। और इसमें जो ट्रेड मांगा हुआ है वो फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, प्रिंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ब्लैक स्मिथ, इन सब के लिए है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म की। तो इस फॉर्म की अगर हम एज की बात किया जाए तो 18 से लेकर 24 साल तक इस फॉर्म को जो है ये कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म जो है ऑफलाइन आपको फ़िलअप करना है। और ऑफलाइन फ़िलअप करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपको 10th क्लास पास चाहिए या फिर 10+2 यानी कि 12th क्लास, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास ITI डिग्री होना चाहिए जिस फील्ड के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं, जिस ट्रेड के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं। जैसे ITI अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन के सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। और स्टिपेंड जो है ये आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड जो है इसके बारे में बताएगा कि आपको कितना स्टिपेंड मिलेगा। और ये वेरी करता रहेगा आपको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और फ़ी की बात करें इस फॉर्म की, तो ये जो फ़ी है इस फॉर्म का वो 100 रुपये का है। और ये जो है आपको ये जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। ये एड्रेस है, इस एड्रेस में जाके आपको सेंड कर देना है। और अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो जो जॉब लोकेशन है इस पोस्ट की वो आपका झांसी है, यूपी में झांसी पड़ता है, वहाँ पे है जॉब लोकेशन उसका। और इसमें जो है OBC कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 5 साल और 3 साल होते हैं। अब बात किया जाए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इस एग्ज़ाम का, तो इस एग्ज़ाम की अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन 10th एंड 12th एंड ITI के हिसाब से आपका इसमें मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन होगा। यानी कि इसमें कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा आपका। और ये जो है सिलेक्शन होगा वो झांसी डिपार्टमेंट में होगा जो नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है। और मैंने एड्रेस आपको बता दिया कि इस एड्रेस में जाके आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ कि फॉर्म किस तरह का है, आप उस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह है, ये फॉर्मेट है उसका, जिसमें आपका ITI ट्रेड पूछा हुआ है, आपके मार्क्स पूछे हुए हैं, आपकी कैटेगरी पूछी हुई है, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन इसमें पूछा हुआ है आप उसको फिलअप करके अपनी फ़ोटो चिपका के आप ये मैंने आपको जो एड्रेस दिया है आप उस एड्रेस में इस फॉर्म को सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद जो भी आपका मेरिट लिस्ट में बनेगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग देन आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा। सो ये थी इसका। और इसके लिए जो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए आप इसको ध्यान रखेंगे, इस फॉर्म को इनक्लोज करेंगे साथ में और उसको सेल्फ अटैच भी करेंगे, जिसमें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, बैंक ड्राफ्ट जो 100 रुपये का होगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये पांचों चीज़, ये जो 6 चीज़ दिया हुआ है इसमें, इन सब को आपको इनक्लोज करके उसको सेल्फ अटेस्ट मतलब आप उसमें साइन करके इस फॉर्म के साथ उसको फिलअप करके आपको दिए गए एड्रेस में सेंड करना है। सो फ्रेंड, ये थी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आई हुई वैकेंसी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ से रिप्लाई करेंगे। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।